ओके गाइस, वेलकम बैक टू अनिल चौहान व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी टाइम हो गया है, 2:30 बज गए हैं और ये व्लॉग मैंने अभी मतलब स्टार्ट किया है। और अभी मुझे ना थोड़ा सा भूख लग रहा था तो मैंने सोचा कि बना लेते हैं मैगी। तो अभी हम आ रहे हैं, मतलब मैंने किचन में सारा तैयारी करके रखा हुआ है। फिर मुझे ध्यान आया कि चलो इसी टाइम से हम ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं बनाया था तो चलिए हम चलते हैं किचन की तरफ। मैंने कढ़ाई रखी हुई है गैस पे और गैस भी ऑन है। ये देखिए हम आ गए हैं किचन में। रुकिए मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ आप लोग को। देखिए दोस्तों, ये हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे आधा टमाटर लिया है और हरी मिर्च। मुझे थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी खाने का मन था इसलिए मैंने 4 हरी मिर्च ली है और ये एक छोटा सा प्याज। तो चलिए तेल हमारा गर्म हो गया, हम सब डाल देते हैं इसमें। ये देखिए हमने टमाटर प्याज सब डाल दिया है। अभी थोड़ा सा पक जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारी मैगी तैयार है। देखिए कितनी टेस्टी दिख रही ना। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं इसको, उसके बाद से मिलते हैं। ये देखिए गाइस, हमारी मैगी बनके तैयार है। देखिए कितनी टेस्टी दिख रही है। तो आप लोग कमेंट करिएगा किस किस को। वैसे तो मुझे पता है कि हर किसी का फेवरेट होता है मैगी, तो सबको ही पसंद होती है। लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करिएगा कि किसकी किसकी फेवरेट है मैगी और कौन सी वाली, ठीक है? तो चलिए पहले हम इसको खा लेते हैं, उसके बाद से मिलते हैं। तो अभी मैंने मैगी खा लिया है और लाइट भी चली गई है। यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है और मुझे अभी कुछ बर्तन भी धुलना है, वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो चलते हैं बर्तन धो देते हैं जाके, पहले देखते हैं लाइट कब तक आती है। तो अभी हम लोग आ गए हैं किचन में और शाम के बज गए हैं 7:30। तो अब किचन में आए तो डिनर की तैयारी ही कर लें। तैयारी क्या, डिनर बनाने ही आए हैं। और वहाँ पर मेरा दूध बॉयल होके गिरने वाला है। तो एक मिनट। तो आज हम बनाने वाले हैं चना और लौकी की सब्जी। तो ये देखते, मैंने इसकी तैयारी पहले से ही कर ली है। मैंने यहाँ पे चना की दाल, चने की दाल और लौकी की सब्जी। एक्चुअली चना वो काला वाला चना नहीं, चने की दाल और लौकी की सब्जी। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ नीचे करके। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको बॉईल किया हुआ है। पहले मैंने चना भिगो की चने की दाल मतलब भिगो दिया था, उसके बाद इसको बॉईल करने के लिए रखा था। तो अभी इसको हम थोड़ा सा टच करके देख लेते हैं कि ये हमारा दाल हुआ भी एक नहीं हुआ होगा तो हमें 2-3 सीटी और लगाएंगे इसमें। अभी थोड़ा सा और इसको गलाते हैं क्योंकि ये उतना ज़्यादा नहीं हुआ है जितना मुझे चाहिए। अभी इसमें थोड़ा 2 सीटी और लगा देते हैं। चलिए अब मैंने इसको बंद करके वापस से रख देते हैं इसमें 2 सीटी। तो यहाँ पे देखिए हमने कढ़ाई रख दिया है और मैं आपको जो भी इसमें सामान पड़ेगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने तेज पत्ता ले लिया, एक ही लिया है जो कि तोड़ लिया है, थोड़ी सी हरी, थोड़ा सा सौंफ है ये, और ये धनिया पाउडर 1.5 चम्मच है, और ये घी। उसके बाद से ये देखिए यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज के प्याज कट कर लिए हैं, 4 हरी मिर्च, और ये 2 टमाटर है, और ये लहसुन कुछ थोड़ा सा ही लहसुन है क्योंकि हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे, इसलिए ये थोड़ा सा ही आप रखें। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बन गया है प्याज। पेस्ट डाल देते हैं। और यहीं पे हम अपने टमाटर और मिर्च डाल देते हैं। नमक भी ऐड कर देते हैं। ढक के 4-5 मिनट तक हम पकाते हैं। और ये देखिए ये हमारा हो गया है, ये देखिए बॉईल हो गया है।
तो अभी हम इसको बाद में डालेंगे इसमें। तो ये देखिए दोस्तों हमारा ये मसाला मटर टमाटर और प्याज अच्छे से गल गया है। अब हम ये इसमें मैंने थोड़ा गर्म मसाला भी ले लिया है और ये हल्दी धनिया पाउडर और ये थोड़ी सी बस लाल मिर्च पाउडर है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो मत डालें। तो हम ये इसमें मिला देते हैं, थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। चला देते हैं और इसको थोड़ा सा पकने देते हैं, 2 से 3 मिनट तक ढक कर पकाएंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा मसाला भी एकदम अच्छे से भून गया है। अब हम ये इसमें डाल देते हैं लौकी और ये चना दाल। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी बस थोड़ा सा ही एकदम ऐड करके अब इसको थोड़ा सा और पकाएंगे 5 मिनट तक, ताकि ये हमारा अच्छे से इसमें गल जाए, ये जो दिख रहा है अलग अलग वो नहीं दिखे। तो ये देखिए गाइस ये हमारी सब्जी बन गई है अब पूरी तरह से। देखिए इसमें थोड़ा भी पानी नहीं है और ये ड्राई ही रहेगी ऐसे ही। तो अभी हम इसको कर देते हैं फ्लेम को ऑफ और मैंने ये देखिए रोटी भी बना ली है। देखिए तो ये देखिए गाइस हमारा खाना रेडी हो गया है, ये सब्जी पापड़ और आम रोटी। तो अभी मैं कैमरा अपनी तरफ कर लेती हूँ। तो फाइनली हमारा खाना बन गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं खाने, क्योंकि टाइम भी हो गया है, 9 बज गया है। तो हम लोग ये खा लेते हैं उसके बाद से मिलते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि ये आप लोग एक बार ज़रूर ये वाली सब्जी ट्राई करिएगा और बाकी आप लोग बताइएगा कि आज ये वाली रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो अभी हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है और मैंने अपना सारा काम भी कर लिया है। ये देखिए मैंने इसको ये सेल्फ को क्लीन कर लिया है, बर्तन वगैरह भी मतलब साफ कर लिए हैं, सारा काम मेरा हो गया है। और अब हम लोग चलते हैं सोने। तो मैं भी किचन की लाइट ऑफ कर देती हूँ और बाकी आप लोग बताइएगा कि मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा था। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।